Good morning, hello and welcome to our show Sports Cafe, a special morning show where we will discuss the major sports stories which made headlines in the newspaper. Uske saath hi hum baat karenge ki kis tarah se aap exercise aur gymming ke saath apne shareer ko chust durust rakh sakte hain. Saath hi dekhenge ki aaj ka din khel ke itihas mein kyun hai itna khaas aur kaun-kaun se muqable aaj hone wale hain. And to discuss more on this, we are joined by an expert in the studio, Mr. Rupinder Singh, a renowned sports expert and an athlete. Aapka bahut bahut swagat hai. Dhanyawad, Gitasha. So we have this and much more for you in the next half an hour. Let's take a look at the headlines first. Aur BCCI officials welcome Supreme Court verdict. Inhone banayi hai jagah, khaskar aaj ke akhbaron mein. युवराज ने कहा है कैप्टन एंड फॉर्मर कैप्टन ट्रस्ट गेव मी कॉन्फिडेंस. वहीं साइना नेहवाल एडवांसेस टू सेमीज, अजय लूजेस इन मलेशिया मास्टर्स. साइना एंड स्ट्राइक ओवर इंटर थर्ड राउंड, बोपन्ना एलिमिनेटेड इन ऑस्ट्रेलियन ओपन. तो इन तमाम खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीसीसीआई से जुड़ी इस खबर से. अगर हम यहाँ पर देखें मेल टुडे ने क्या कहा है. मेल टुडे का कहना है शॉक एंड रिलीफ, आईब्रोज रेज्ड एट एससी पैनल प्रपोजेस 70 एज बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर. टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है एससी मोडिफाइज ऑर्डर ऑन डिस्क्वालिफिकेशन. सिबल बैट्स फॉर नॉन फेस टू रिप्रेजेंट बीसीसीआई एट. वहीं हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है बीसीसीआई ऑफिशियल्स वेलकम सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट. Whereas Amitabh Anirudh set to return to BCCI. वही दैनिक जागरण ने लिखा है 9 साल का कार्यकाल 18 में बदला, यानी कि 9+9. और हिंदुस्तान ने लिखा है बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फैसले में संशोधन किया गया है. अमर उजाला ने ये खबर छापी है सुप्रीम कोर्ट 24 को करेगा बीसीसीआई प्रशासकों की घोषणा. वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है सोचना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त प्रशासक बोर्ड को चलाएंगे. तो 24 को फैसला आना है, लेकिन 9+9. और जिस तरह से अब आपको लगता है श्रीनिवासन गुट की बात करें, बाकी ऑफिशियल्स की बात करें, तो हर जगह खुशी का माहौल होगा. क्या लगता है? खुशी का माहौल है. और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इंटेलिजेंट अप्रोच किया बोर्ड के लॉयर्स ने. उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी रेलवेज और सर्विसेज की, और रेलवेज और सर्विसेज दोनों क्रिकेटर्स को एम्प्लॉय करते हैं, मौका देते हैं खेलने का, और वन स्टेट वन यूनिट में रेलवेज और सर्विसेज टोटली बाहर हो जाते हैं. तो उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्ग्यू किया, सुप्रीम कोर्ट ने सेंसिबली सुना. पर इस सब चीज़ों में मुझे क्या लग रहा है, अब एक तरफ तो है कि अमिताभ और अनिरुद्ध खुश हो गए, हम वापस आ जाएंगे. उधर दिल्ली के वन ऑफ द सो कॉल्ड नेग्लिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर सीके खन्ना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन के प्रेसिडेंट बन जाएंगे. तो कुछ अच्छी खबर है, कुछ बुरी खबर है. ऑन द फेस ऑफ इट, इट इज़ अ वेरी रेलिवेंट डिसीजन, और बहुत अच्छी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने. पर इम्प्लीमेंट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. यही इम्पोर्टेंस अगर बीसीसीआई समझ जाती तो सुप्रीम कोर्ट तो इस केस में इंटरफेयर भी नहीं करता. तो वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसके रिजल्ट का, कि लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे क्रिकेट की प्रोग्रेस के लिए. एसेंस वो है कोर्ट का. दूसरी बात मुझे लगता है जो सील्ड एनवलप में एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम दिए गए कोर्ट की तरफ से, उसमें भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटर 70 से ऊपर थे. तो कोर्ट ने ऑब्वियसली उनको भी पूछा होगा कि एक तो तुम कह रहे हो कि 70 से ऊपर हो नहीं सकता, और अपने आप तुम एडमिनिस्ट्रेटर 70 से ऊपर वाले डाल रहे हो. तो वो दोनों चीज़ें मिला के ये फाइनल जजमेंट हुआ, और 24 को
ये सब को करेक्ट करके फाइनल फैसला दिया जाएगा। इज इट रेलिवेंट इन टर्म्स ऑफ, जैसा कि आपने कहा, ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, अगर हम ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करें, ट्रेजरर की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, तो उनके लिए भी एक अच्छी राहत की खबर है, बहुत ही अच्छी खबर, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। वर्डिक्ट आएगा 24 को, लेकिन एक अच्छा डिसीजन हम कहेंगे अभी तक। हाँ, ओवरऑल तो बहुत अच्छा डिसीजन था, थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया इसके कारण, पर ये भी रेलिवेंट है इसको नज़र में रखते हुए, पर इसका स्पिरिट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये लॉज तो बहुत सारे लिखे हुए हैं भारत में, बहुत अच्छे अच्छे लॉज हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे लॉ बेसिस, इतने साल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसके बावजूद अमिताभ चौधरी और सी के खन्ना जैसे अगर उसमें आ जाते हैं, उन्हीं के नज़र रखते हुए तो बोला था कि स्ट्रिक्ट हो, और वही पीछे से उठ के आ जाएं, तो उसका एक स्ट्रिक्ट फैसले का वो चला जाता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा सा सेंटर का इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है कि सेंटर ने रेलवेज और सर्विसेज, और रेलवेज और सर्विसेज देते हैं एम्प्लॉयमेंट, और उनको निकाल दिया गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये सब दबावें जो फाइनल डिसीजन पे आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज, जो भी फाइनल वर्डिक्ट हो उसको स्पिरिट में फॉलो करें तो बहुत बढ़िया बात। वाकई जैसा कि आपने कहा, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए, और आखिरी फैसला एक तरह से कहीं 24 को आएगा, तो सबको इंतजार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है युवराज से जुड़ी हुई। और मेल टुडे ने कहा है, कैप्टन्स ट्रस्ट गेव मी कॉन्फिडेंस, ये कहना है विराट के लिए युवराज का। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, यूवी कमबैक शोकेसेस बेस्ट ऑफ स्पोर्ट, हर तरफ से तारीफें हो रही हैं। और वही हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, धोनी गेव मी कॉन्फिडेंस, युवराज ये कह रहे हैं। वही दैनिक जागरण ने लिखा है, विराट ने विश्वास जताया नहीं तो मैं संन्यास ले लेता, युवराज ने खास तौर पर ये बात कही है। और हिंदुस्तान ने खबर छापी है, यूवी बोले विराट ने संन्यास से रोका। और अमर उजाला का कहना है, विराट के भरोसे ने रोका वरना रिटायर भी हो सकता था। लगभग तमाम अखबारों ने यह खबर छापी है कि किस तरह से युवराज का मोराल बूस्ट हुआ है। सचिन का मैं सुपरमैन और अमिताभ की नजर में रियल चैंपियन, युवराज का कहना है, दैनिक भास्कर ने खबर छापी है। वाकई रियल चैंपियन, रियल हीरोज किस तरह से दिखाया युवराज ने। क्यों रुपिंदर जी, कैंसर के बाद इतनी बड़ी अच्छी पारी खेलना, वहां से वापस आना, और एक तरह से धोनी और विराट ने जिस तरह से एक खिलाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया, उसके ऊपर दबाव था कि नहीं मुझे बेस्ट करना है, और ये हमें देखने को मिला जब 150 रन बनाए गए। नहीं, बात तो बहुत सही है, रोल मॉडल की तरफ से लोगों के लिए बहुत अच्छी कहानी है कि युवराज कैंसर के बाद वापस आए, उन्होंने हिम्मत दिखाया और ये परफॉर्मेंस दिखाया। कैप्टन ने इंकरेज किया, धोनी ने खेलते वक्त इंकरेज किया, और यूवी का ये परफॉर्मेंस आया। पर मैं दूसरी तरफ से भी देखना चाहता हूँ कि यूवी और धोनी मेरे हिसाब से पास्ट हैं, और जो फ्यूचर के प्लेयर्स हैं जो इक्वली अच्छा खेलते हैं, इन दोनों को एज के बिना सोचे हुए जो बेस्ट खेलता है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, केदार जादव ने सेंचुरी मारी थी 65 बॉलों पे, और ऐसे कई केदार जादव वेट कर रहे हैं। करुण नायर ने दिखाया टेस्ट में, जयंत यादव ने दिखाया। तो जब ऐसे यंगस्टर इक्वली केपेबल हैं, इफ नॉट मोर केपेबल, मेरा कहना यह है, ओल्ड और यंग, कहानी या नो कहानी, जो बेस्ट है भारत के लिए वो लड़का खेलना चाहिए। दूसरी तरफ, इंडियन विकेट्स पे रन मारना कोई ऐसे क्रिकेट में टोटली बैट्समैन के फेवर में, आज ग्लेन मैकग्रा ने भी कहा है, टोटली बैट्समैन के फेवर में। आप देखियो, कोई बॉलर की कोई बात नहीं कर रहे, पर मेन परफॉर्मेंस इस मैच में था अश्विन का, जो सोच समझ के बेन स्टोक्स और जॉश बटलर को और जो रूट को आउट कर गए थे। पिच में टोटली बॉलर के लिए कुछ नहीं था, इंग्लैंड के बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए, अश्विन ने बहुत अच्छा किया, और एंड ओवर्स में भुवनेश और बुमराह ने थोड़ी सोच दिखाई, और वो टर्निंग फैक्टर था।
मेरे हिसाब से इस विकेट पे जो भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करता, चाहे युवराज हो, चाहे विराट हो, चाहे कोई हो, वो ही रन मार देता। तो ऐसा कैरिड अवे बाय सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए, रियलिटी देखनी चाहिए। 2019 में क्या होगा, वर्ल्ड कप क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री फर्स्ट, और उसके बाद गेटिंग कैरिड अवे बाय दिस। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मीडिया ये बैलेंस खो बैठता है। फॉर एग्जांपल आजकल खाली नेगेटिव खबरों पे ध्यान देता है, पॉजिटिव खबर पे कोई ध्यान नहीं देता। तो ये सब बैलेंसेस, सेंटिमेंटलिटी और अच्छी स्टोरी और एक्चुअल रियलिटी, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। मैं भी बहुत कदर करता हूँ धोनी ने और युवराज ने जो किया है भारत के क्रिकेट के लिए, पर अब उसको उस तरह से नापना चाहिए कि क्या और बच्चे नहीं हैं जो इससे भी काबिल हैं इस स्टेज पे, और जो बेस्ट है उसको खिलाया जाए। ही इज इंडीड एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, लेकिन नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए। बढ़ते हैं अगली हेडलाइंस की ओर, और जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई सायना नेहवाल की बात करते हैं कि किस तरह से वो अपने विजय रथ का अभियान जारी रखे हुए हैं। आइए देखते हैं ये हेडलाइंस। मेल टुडे ने लिखा है, सायना इन सेमीफाइनल्स ऑफ मलेशिया मास्टर्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर पब्लिश की है, सायना इन सेमीज, जयराम आउट। सायना मेक्स मलेशिया सेमीज, हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर पब्लिश की है। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, सायना नेहवाल सेमीफाइनल में और जयराम बाहर। और हिंदुस्तान ने एक खबर छापी है, बैडमिंटन में सायना नेहवाल सेमीफाइनल में और जयराम हारे। लगभग तमाम अखबारों ने ये खबर को प्रमुखता दी है और छापा है। अमर उजाला ने भी लिखा है, सायना नेहवाल मलेशिया मास्टर्स के दो खिताब से दो जीत दूर। दैनिक भास्कर ने एक लिखा है, फितरानी को हरा टॉप सीट सायना सेमीफाइनल में, अब यिन से भिड़ेंगी। तो अब सायना नेहवाल ही अकेली भारतीय खिलाड़ी हैं अगर जयराम बाहर हो गए हैं, इन्हीं से उम्मीद बची है। और इस बार इनके ऊपर काफी प्रेशर है, जिस तरह से सिंधु आ गई हैं अब खेमे में, तो लग रहा है सायना नेहवाल एक इंजरी के बाद बढ़िया परफॉर्म करेगी। टॉप सीड है इस टूर्नामेंट में, एक्चुअली देखा जाए तो उनके लेवल का कोई खिलाड़ी नहीं है। इनफैक्ट जो प्रीमियर लीग अभी हुई, जब उन्होंने कैरोलिना मैरिन सिंधु से हारे, वो सब मैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट थे सायना के कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। और अब ऐसा टूर्नामेंट एंटर किया एट दिस स्टेज ऑफ अ रिकवरी, बहुत बेहतरीन चुन के एंटर किया है, जहाँ पे इतना टफ कंपटीशन नहीं है, जीतेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर वो टॉप प्लेयर्स को खेलने के लायक वापस आ जाएंगे कमबैक में। तो ये बहुत बढ़िया बात कर रही हैं सेना। जहाँ तक अजय जयराम का ख्याल है, मेरे ख्याल से एंथनी गिंटिंग इंडोनेशिया के बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। आपने देखा 21-13, 21-18 ईजिली उनको मात दिया है। तो टॉप खिलाड़ी जब आ जाते हैं तो फाइनल रिजल्ट थोड़ा वो हो जाता है, पर मेंस का प्रोग्रेस होना और इतने सारे मेंस इस लेवल का आ जाना, वो भारत की गेन है। और अनसीडेड खिलाड़ी से हारे, ये भी एक अनसीडेड तो इसलिए होता है कि मे बी इज रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी, ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं खेले, पर एंथनी गिंटिंग बहुत अच्छे खिलाड़ी है इंडोनेशिया के, और उस लेवल के खिलाड़ी के साथ टफ होना ही होता है। बस सीट सिर्फ एक मेंटल हमारे दिमाग में रहता है कि इतने सीडेड प्लेयर हैं, हम इतने हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मैटर, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल फेडरर अभी 17th रैंक्ड है, आप उनका कल खेल देखते, बिल्कुल लाजवाब खेल दिखाया। तो वो 17th रैंक क्यों है, वो इंजर्ड थे, 6 महीने से खेले नहीं, उनकी रैंकिंग गिर गई। तो दैट इज नॉट अ सोल क्राइटेरिया टू डिसाइड कि उसका परफॉर्मेंस क्या लेवल का है। और जिस तरह से नेहवाल ने फितरानी को हराया, इतना कड़ा संघर्ष, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी, ये वाकई काबिले तारीफ है। मैं नहीं कहूँगा कि इतना टफ कंपटीटर है फितरानी या यिप, जो जिनके साथ सेमीफाइनल। अच्छी खबर यह है कि हमें आज से खेल देखने को मिलेगा, टेलीविजन में मैच दिखाए जा रहे हैं 11:30 बजे से आज, और सायना नेहवाल का एक्शन हमें देखने को मिलेगा और फर्स्ट हैंड नॉलेज हो जाएगी कि वो कैसा खेल रही हैं। ये बहुत बढ़िया बात हो रही है भारत में कुछ खेलों के साथ। पहले खाली क्रिकेट छाया रहता था, अब बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग
और अन्य स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब साइना नेहवाल के बाद बात करते हैं सानिया मिर्जा की और नज़र डालते हैं कि किस तरह से अलग अलग अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता दी है और किस तरह से वो आगे बढ़ी हैं। मेल टुडे ने ये खबर पब्लिश की है, मिक्स डे फॉर इंडियन प्लेयर्स। इट वॉज अ मिक्स डे फॉर इंडियन प्लेयर्स इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, सानिया स्ट्राइकोवा एडवांस, रोहन्ना बम्प्ड आउट। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, सानिया बारबरा एडवांस, बोपन्ना क्यूएस आउट। दैनिक जागरण ने लिखा है, सानिया स्ट्राइकोवा तीसरे दौर में, अब तीसरे दौर में पहुंच गई है सानिया और स्ट्राइकोवा। और हिंदुस्तान ने भी एक खबर छापी है, सानिया जीती बोपन्ना बाहर। वहीं अमर उजाला ने लिखा है, सानिया आगे बढ़ी बोपन्ना बाहर। और एक अच्छी खबर भारतीय खेमे में, और वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, सानिया जीती बोपन्ना बाहर। ऑलमोस्ट सभी न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को छापा है। और किस तरह से देखते हैं ऑस्ट्रेलियन प्रतिद्वंदी को हराना ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ये एक बड़ी बात थी, लेकिन आगे अब हम कैसे देखेंगे जब चीनी खिलाड़ी और बाकी जो प्रतिद्वंदी आएंगे। तो सानिया इस बार अच्छा परफॉर्म कर रही है, सानिया अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं समझता हूँ सानिया का चॉइस ऑफ पार्टनर्स बहुत बढ़िया है। आपने देखा पहले मार्टिना हिंगिस के साथ इतने अच्छे टूर्नामेंट जीतने लगे, फिर थोड़ा सा हार की तरफ आने लगे, तो मार्टिना हिंगिस ने भी सोचा, सानिया ने भी सोचा और वो सेपरेट हो गए। मार्टिना हिंगिस ने चुनी एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी, कोको वैंडवे, जो अभी सिंगल्स में भी बहुत अच्छा खेल रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और सानिया भी लकी रही, उनको भी बाबरा स्ट्राइकोवा मिल गई, जो सिंगल्स में भी अभी थर्ड फोर्थ राउंड में खेल रही है। तो बेटर पार्टनर्स दोनों को मिल गए हैं। और सही टाइम पे चेंज किया इन्होंने, सही टाइम पे चेंज किया। सातवां टूर्नामेंट है, छह टूर्नामेंट खेल चुके हैं, दो तीन जीत चुके हैं, तो अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आगे की तरफ अगर देखें तो एक फ्रेंच पैर है जो बहुत ही अच्छा पैर है और टॉप सीडेड है, लैब्दोविच एंड उसकी पार्टनर, वो बहुत टफ अपोनेंट्स हैं। कल भी समंता सोस्टूज बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, वन ऑफ द टू, पर पेयरिंग इतनी अच्छी नहीं थी। सेकंड सेट थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था सानिया के लिए, पर उन्होंने ओवरकम किया और स्ट्रेट सेट्स में जीते। दूसरी तरफ बोपन्ना, ये एक निराशाजनक खबर है हम सबके लिए, निराशाजनक खिलाड़ी, पर बहुत अच्छा मैच खेले थे और इनफैक्ट उन्होंने ब्लेम किया एक कॉल जिसने सेट में उनको अपसेट किया, नहीं तो मैच बहुत क्लोज था और बोपन्ना और कुएवास भी बहुत अच्छा खेले थे। और अच्छी बात यह है कि इंडिया के लिए अभी मिक्स डबल्स में सब जीवित हैं, लिएंडर, बोपन्ना और सानिया मिर्जा, वहां पर हम सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली हेडलाइंस जो जुड़ी है गोल्फ से। अनिर्बान किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं एक नज़र डालते हैं। मेल टुडे ने भी इस खबर को छापा। और अगर हम खास तौर पर बात करें गोल्फ की, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां अलग अलग जगहों पर हमारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। मेल टुडे ने कहा है कि अनिर्बान लाहिरी मेड अ स्टेडी स्टार्ट विद अ 3 under 68। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, भुल्लर सिक्स इन सिंगापुर ओपन। गगनजीत भुल्लर वॉज द बेस्ट प्लेस इंडियन एट द टाइप सिक्स इन द सिंगापुर ओपन। और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा है, लाहिरी ओपन्स विद अ स्टेडी 3 under 68 ऑन पीजीए टूर। और अगर इन खबर पर हम नज़र डालें तो एक अच्छी खबर जिस तरह से भुल्लर ने और लाहिरी ने परफॉर्म किया, वहीं अगर बात करें नेहा जो एक अच्छी गोल्फ स्टार बनकर उभरी हैं, तो भारत के लिए एक अच्छी खबर हर क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में खास तौर पर, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब एक नज़र डालते हैं कि किस लिए खास तौर पर हमारे लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। जिमिंग किस तरह से हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में मदद करता है, हमारी कोहोस्ट पूनम सिंह बता रही हैं, एक नज़र डालते हैं।
दोस्तों फिटनेस की अगर बात करें तो फिटनेस का मतलब सिर्फ बॉडी वेट को कम करना ही नहीं होता। फिटनेस का मतलब होता है जो आपका बॉडी वेट है वो आपकी बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग ही रहे। इसी विषय पे आज हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से संदीप जी से। संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। संदीप जी हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे बॉडी वेट कम किया जाए, लेकिन हम उन दोस्तों को भूल जाते हैं जो अपना बॉडी वेट बढ़ाना चाहते हैं। तो आज हम इसी बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हम एक्सरसाइज करें या क्या हम डाइट लें, कैसे हम अपना रूटीन चेंज करें जिससे हमारा जो बॉडी वेट है वो एक ऑप्टिमम लेवल तक आए। जी बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, देखिए मैं वही फिर दोहराना चाहूँगा कि इसमें 30% आपका सिर्फ जिमिंग है और 70% जो है आपका डाइट। आप फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा कि आप जैसा खाते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आपको अपना वेट गेन करना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो आपको हाई कैलोरी फूड पे जाना होगा, हेल्दी फैट्स पे जाना होगा। फैट मतलब ये नहीं कि छोले भटूरे, फैट मतलब हो गया अपना नट्स वगैरह, पीनट्स वगैरह, ये सब हेल्दी फैट्स, सैचुरेटेड फैट लेना होगा। और वर्कआउट में आ जाते हैं तो वर्कआउट में अगर आपको गेन करना है तो सिर्फ हफ्ते में 3 से 4 बार वर्कआउट बहुत हो जाता है और 40 से 45 मिनट। कई बार क्या होता है, हमारे पास भी कई बच्चे आते हैं जो खूब जिम करते हैं, उन्होंने सिर्फ सुना होता है कि हाँ जिम करने से मसल ग्रो होगा मसल ग्रो होगा। वो गलत तरीका है, वो कई कई घंटे लगे रहते हैं उसमें। क्या घंटे लगे रहने से क्या आपकी कैलोरीज बर्न हो गई, आपने घर जाके कैलोरीज अपनी इनटेक नहीं की, न्यूट्रिशन इनटेक नहीं किया, तो क्या होगा, वो और माइनस हो जाएगा। तो अक्सर ऐसे ही होता है, फिर वो बच्चे हताश हो जाते हैं, कहते हैं यार जिम बेकार है और डाइट भी बेकार है, कुछ नहीं होता। मगर जो हमसे कंसल्ट करते हैं फिर हम उनको बताते हैं कि भाई आप प्रॉपर डाइट लो, वो फिर उनको अच्छे से बताते हैं कि क्या खाना है। जैसे फीमेल पे आ जाएं, फीमेल को डेली बेस पे 1500 कैलोरी इनटेक करनी होती है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है, गड़बड़ मीन्स वो इतना नहीं लेती है, तो उसका माइनस में ही आना है वेट। अगर वो अगर इसको लेबल में रखती हैं तो गेन होगा ही होगा, फिर बाकी अपना जिम तो है। ऐसे ही मेल पे आ जाते हैं, अगर लड़के लोग हैं तो उनको अगर आप ट्रेनिंग के साथ डाइट देते हो तो उनको भी कम से कम 2000 से लेकर 2500 कैलोरी डेली लेनी होती है। और अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए कि हाँ भाई हमें वेट गेन करना वेट गेन, तो आप 3500 तक जा सकते हैं। वो आपको कैलकुलेट करना होगा कितना खाना है क्या नहीं। अगर हमसे मिलते हैं तो हम अपना बैलेंस डाइट बना करके देते हैं कि भैया आप ये लो, इस तरीके से चल। संदीप जी ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो वेट कम करने के लिए होती हैं, लेकिन जो लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं क्या उनके लिए कुछ अलग तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं? जी हाँ पूनम जी, उनके लिए अलग ही एक्सरसाइज होती है, अलग मेथड होता है। आपको अपनी कैलोरी बचा के रखनी होती है, बैलेंस में ही जैसे डाइट है वैसे ही बैलेंस में आपको एक्सरसाइज भी रखनी होती है। और अगर वेट गेन करना है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग होते हैं जिम में जाते हैं डेली पसीना बहाते हैं, अब वो कैलोरीज बर्न करे जा रहे हैं तो गेन करने का टाइम ही कहाँ मिला उनको, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना होता है और फिर हो जाता है। और कुछ एक्सरसाइज अलग होती हैं जो मैं आज बताने वाला भी हूँ। फुल बॉडी वर्कआउट करना होता है इसमें, जैसे बिगनर है तो उसको फुल बॉडी वर्कआउट करना होता है कि कुछ जो ऐसे उसमें आ जाता है, बेंच प्रेस आ जाता है, स्क्वाट्स आ जाता है, ये एक्सरसाइजों के नाम है, ये बारबेल कर्ल हो गया, पुश डाउन हो गया, ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और अगर संदीप हम स्टेमिना की बात करें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कंप्लेन करते हैं कि हम जिम जाते हैं लेकिन हमारे बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं है, हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं हम थक जाते हैं, तो वो स्टेमिना भी कैसे गेन कर सकते हैं? क्या उसके लिए हम जो हमारा जो स्टार्टिंग का जो वार्म अप एक्सरसाइज होते हैं उसको बढ़ा दें, या क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे बॉडी का स्टेमिना भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहे? पूनम जी इसमें फिर वही न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। इसमें आपको न्यूट्रिशन फूड अगर अच्छे से लेते हैं तो आप अच्छा अच्छा फील करेंगे और फिर ट्रेनिंग में भी मज़ा आएगा। टाइम से सोइए, मतलब टाइम से रेस्ट लीजिए, वर्कआउट प्रॉपर कीजिए, मतलब किसी ट्रेनर के अंडर अपना आप कंसल्ट करके ही करें, ऐसे नहीं अपने आप ही अपना प्लान बना लिया। क्योंकि अपने आप को तो हमेशा लगता है आई एम द बेस्ट, हमारी कमियाँ तो कोई दूसरा ही बताएगा ना, जो कि ट्रेनर है आपके जिम का। ठीक है, तो चलिए संदीप आप हमें अब डिटेल में जरा एक्सरसाइज करके दिखाएं और बताएं कि कैसे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो अपना वेट गेन कर सकते हैं, वो प्रॉपर वेट और वो डिजायरेबल जो बॉडी है वो अचीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल पूनम जी, चलिए संदीप आइए आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, संदीप आप हमें बताएं कि ये एक्सरसाइज क्या है, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इससे कौन से बॉडी पार्ट को फायदा पहुंचता है, और प्रिकॉशंस भी बताएं क्योंकि प्रिकॉशंस जानना भी बहुत जरूरी है। बताएं पूनम जी, हम स्टार्ट करेंगे बेंच प्रेस से, जो कि होती है चेस्ट मसल के लिए, और मैं उसको आपको तरीका और प्रॉपर सही तरीका बताने वाला हूँ कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है और कितने एंगल में इसे पकड़ना है, कितना डिस्टेंस रखना है, वो सब आज आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। ये हमारे अजय हैं, ये हमें करके दिखाएंगे। अजय स्टार्ट।
सबसे पहले इसमें एक बात का ध्यान रखिए, सबसे पहले होती है इसमें ग्रिप, कम से दो से लेकर ढाई फीट की इसमें ग्रिप होनी चाहिए। जैसे कि एक बार ग्रिप करके दिखाओ, गुड, और ये धीरे से इसे लिफ्ट करना होता है, लिफ्ट कीजिए, गुड, अब इसे स्टार्ट कीजिए, ठीक, देखा आपने, इस तरीके से ऐसे करना होता है, ये ऊपर आके ब्रीथ आउट, नीचे आके गुड, वापस आउट, इस तरीके से। अब इसी के अंदर हमें जैसे हमें वेट गेन करना है तो हमें 6 से 8 रेपिटेशन रखने होंगे और 4 सेट लेने होंगे, बस इनफ। और इस एक्सरसाइज के करने के बाद फिर 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में ख़त्म किया नहीं और स्टार्ट दोबारा स्टार्ट, वो सही तरीका नहीं। कम से कम टाइम देख के 2 मिनट का तो रेस्ट लेना ही लेना है आपको। संदीप, एक चीज़ और बताएं हमें, क्योंकि हमने इसमें वेट कितने लगाए हुए हैं और क्या हम अगर अपना वेट बढ़ा, मतलब जो हम मसल्स है वो बिल्डअप करना चाहते हैं, लड़कियां भी ये एक्सरसाइज करती हैं, तो वेट का क्या हमारा मेजर रहता है और कितना हमें वेट लगाना चाहिए इसमें? पूनम जी, सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग हमेशा लाइट वेट से करनी है जी। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी ना करें कभी भी, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 सेट वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करें। जैसे हम अगर बेंच प्रेस कर रहे हैं तो वार्म अप के लिए हम इसी में लाइट वेट लेके इसे स्टार्ट कर सकते हैं, 12 से 15 रेपिटेशन रखते हैं, वो आपका वार्म अप हो जाएगा अगर आपको गेन पे जाना है। इसके बाद आप वेट वैसा लगाएं कि जिससे मुश्किल से आपके 6 से 8 रेपिटेशन निकले, राइट, वो वेट लेकर के आप ट्रेनिंग करते हैं और 4 से 3 सेट लीजिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। अच्छा, जैसे हमने प्रिकॉशन की भी बात करी है, मैं दर्शकों को बताना, हमेशा हम लोग ये बात का ध्यान रखना चाहते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं कि प्रिकॉशंस भी बहुत ज़रूरी है, कहीं फायदे के बजाय नुकसान अधिक ना हो जाए, तो आप जो प्रिकॉशन है वो भी ध्यान में रखें। संदीप, आप हमें प्रिकॉशन के बारे में भी जी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा एक बार करके दिखाओ उसे दोबारा। क्या कोई ऐसा हमें बेल्ट या लड़कियों को कोई बेल्ट पहननी चाहिए इसको करते हुए, या रिस्ट बैंड जैसे हम लोग यूज करते हैं? ले सकते हैं ग्रिपिंग के लिए, बहुत सी चीजें मार्केट में आती हैं, अगर आपकी ग्रिप अगर लगता है कि मजबूत नहीं तो आप रिस्ट स्ट्रैप ले सकते हैं, उसे पहन के एक्सरसाइज की तो ग्रिप ही रहेगी, तो आप अच्छा वेट उठा सकते हैं, अच्छा लिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा लिफ्ट करोगे तो बड़ा ही बनोगे, बड़ा उठाओगे बड़ा बनोगे। और ट्रेनर की भी हम हेल्प ले सकते हैं अगर हम स्टार्टिंग में वेट नहीं जो है पुट ऑन कर पा रहे हैं या हम लोग उसको नहीं स्ट्रेंथ ला पा रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल पूनम जी, इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखें, हमेशा सेफ्टी के लिए पीछे जरूर रखें, लापरवाही ना करें, पता लगा ले कि आपने वेट उठाया और आपसे उठा नहीं, तो कम से कम आपका जो पार्टनर है, ट्रेनर ट्रेनिंग पार्टनर है, वो आपको हेल्प तो दे सके। तो ये हमारा कौन सा बॉडी पार्ट को फायदा पहुंचा? ये चेस्ट मसल के लिए, चेस्ट मसल के लिए। और इससे हैंड्स की भी एक्सरसाइज हो रही है? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत ट्राइसेप मसल पे प्रेशर आता है। ओके जी, बिल्कुल। कितने इसके कितने सेट करने होंगे हमें 3 से 4 सेट करने होंगे और रेपिटेशन जो हमारे होंगे वो 6 से 8 जी हाँ बिल्कुल। Charged up right now. दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप भी motivated जरूर feel कर रहे होंगे। दोस्तों, healthy रहने का और fit दिखने का कोई shortcut नहीं होता। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं, healthy दिखना चाहते हैं, तो आपको इतनी कोशिशें और मशक्कत तो जरूर करनी होगी। बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं होता। वेट गेन की आज हमने खास तौर पर एक्सरसाइज देखी। रुपिंदर जी, अगर एक बात मैं बहुत जल्दी से आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल का जो यूथ है, जो युवा है, वो वेट बढ़ाने के लिए लड़के भी और लड़कियाँ भी प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या एक नेचुरल तरीका एक्सरसाइज से, फल फ्रूट से, दालों से, जो एक नेचुरल तरीका है उसको लेना चाहिए, क्योंकि किडनीज पर बहुत असर पड़ता है? बिल्कुल, साइंटिफिकली फॉलो करना चाहिए। और इनफैक्ट वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द जिमिंग इज, जो लोग जिम करवाते हैं उनको इनका साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता है, साइड इफेक्ट्स, और वो प्रोटीन पाउडर दिखा के और जल्दी से ये सारे एक्सरसाइजेस करा के वो उसको अच्छा दिखाने पे चले जाते हैं, ना कि उसका लॉन्ग टर्म असर। और जैसे आपने कहा प्रोटीन पाउडर के कंपैरिजन में
ये नेचुरल बाजार में मिलने वाली इन उत्पादों पर ना जाएं, अपनी अक्ल लगाएं, खास तौर पर आखिर हमारे 1960 में बिना जिम के बिना प्रोटीन पाउडर के मिल्खा सिंह, श्रीराम सिंह सब जीतते थे और कम्पीट कर पाते थे। नेचुरल चीजें ये अननेचुरल चीजें से बेहतर रहती हैं। बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी राय दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुपिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम खबरों पर चर्चा के लिए। और अब एक नजर डालते हैं कि खेल के इतिहास में आज का दिन क्यों है इतना खास। 1964 में भारत के महान स्पिनर भागवत चंद्रशेखर ने टेस्ट करियर का आगाज किया। उन्होंने मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में कुल 5 विकेट लिए। और नाउ लेट्स टेक अ लुक कि आज का दिन क्या क्या खास मुकाबले होने वाले हैं, जल्दी से एक नजर डालते हैं। लेट्स टेक अ लुक। खेल में आज रहेगा खास ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2017 और हॉकी इंडिया लीग का 5वां संस्करण 2017 और चोटिल शिखर धवन का कोलकाता वनडे में खेलना मुश्किल, ये आज की खास खबर है। और आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय, परामर्श, सजेशंस दे सकते हैं। हमारा खास तौर पर देखें तो हमारा फेसबुक आईडी है facebook@doordarshansports और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @DDSportsChannel, वहीं यूट्यूब पर youtube@doordarshansports और इंस्टा पर insta@dd.sports। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन टुडे स्पोर्ट्स कैफे। टिल वी सी यू ऑन मंडे, इट्स गुड बाय फ्रॉम द एंटायर स्पोर्ट्स कैफे टीम। नमस्कार।